तो भाई लोग, मैं हूं काशी, पर आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले एनिमल मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन का प्रिडिक्शन करें और आपको बताएंगे भाई कितना कलेक्शन कर सकती है, हिंदी वर्जन में कितना कर सकती है, तमिल तेलुगु साउथ वर्जन में कितना कलेक्शन कर सकती है, ओवरसीज में कितना कलेक्शन कर सकती है, बाकी टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फर्स्ट डे का कितना कलेक्शन हो चुका है इसका प्रिडिक्शन करेंगे, जो कि एक रियलिटी प्रिडिक्शन करेंगे। बाकी आप वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें। दोस्तों दोस्तों आप सबको तो पता है कि एनिमल मूवी का हाइप दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तकड़ा हो रहा है। दोस्तों मुझे लगता है ये ओपनिंग तो पक्का बहुत तकड़ी उठाने वाली, जिस तरह की इसकी एडवांस बुकिंग है उस तरह की इसकी दोस्तों फर्स्ट डे कलेक्शन भी होने वाला है। बाकी यहाँ पर एनिमल मूवी की बात करें दोस्तों, जिसमें रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल लीड रोल के अंदर है, जो कि संदीप वांगा ने डायरेक्ट किया है। इसका जो फर्स्ट डे का जो टिकट अब तक के सोल्ड आउट हो चुके दोस्तों, वो हो चुका है भाई 2.5 लाख। 2.5 लाख फर्स्ट डे के टिकट सोल्ड आउट हो चुके दोस्तों, जो कि पठान और जवान से भी काफ़ी पीछे, टाइगर 3 से भी पीछे भी करीब। तो भाई हिंदी दिल्ली की बात करें दोस्तों, दिल्ली में अब तक कितने की कमाई हो चुकी है पहले दिन की, जो कि 3 करोड़ की कमाई हो चुकी है। बम्बई के अंदर भाई 1.5 करोड़ की कमाई हो चुकी है। हैदराबाद के अंदर भाई 1.5 करोड़ की कमाई हो चुकी है। बेंगलोर के अंदर 1 करोड़ 20 लाख की कमाई हो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों 2 करोड़ की कमाई हो चुकी है। दोस्तों अब तक की जो एडवांस बुकिंग हुई है भाई एनिमल की, वो हुई है भाई 19 करोड़ से लेके 20 करोड़ के आसपास अब तक की एडवांस बुकिंग हो चुकी है दोस्तों। तो इस मेरे हिसाब से इसको जो पहले दिन जो कलेक्शन कर सकती है ना, पहले दिन जो कलेक्शन कर सकती है एनिमल मूवी, और रणबीर कपूर की पिछली कई सारी फिल्मों की बात करें भाई, ज़्यादा खास कमाल नहीं कर पाई दोस्तों। ब्रह्मास्त्र में भी तकरीबन 40 करोड़ के आसपास ओपनिंग उठाई थी। बाकी दोस्तों फिल्म में दम लग रहा मुझे, इसकी जो रन टाइम है ना, ये दोस्तों मुझे खल नहीं रहा दोस्तों। 3 घंटे 21 मिनट का रन टाइम शायद दोस्तों, मुझे नहीं लगता दोस्तों पब्लिक को जोड़े रखेगी। इतना बड़ा जो रन टाइम होता है ना, वो होता है भाई फिल्म में अच्छी स्क्रिप्ट करना। बाकी वो तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में पता चल जाएगा भाई स्टोरी में कितना दम है। तो भाई जो जो ये जो पहले दिन जो कमाई कर सकती है ना, वो कर सकती है भाई 50 करोड़ से लेकर 55 करोड़ के बीच में। बाकी आज का दिन पूरा बचा भाई एडवांस बुकिंग का, ये दोस्तों 60 करोड़ भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से भाई 50 करोड़ से लेके 55 करोड़ के बीच में भाई एडवांस बुकिंग, मतलब इतना पहले दिन कलेक्शन कर सकती है हिंदी वर्जन में। बाकी तमिल तेलुगु साउथ वर्जन की बात करें भाई, 8 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में 100% दोस्तों कमाएगी। बाकी ओवरसीज में 25 करोड़ से लेके 30 करोड़ के बीच में भाई हिंदुस्तान में खींच कर लेकर आएगी। इसका जो पहले दिन का जो भाई वो जो पहले दिन का जो भाई जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होने वाला है दोस्तों, 80 करोड़ से लेकर 90 करोड़ के बीच में आसानी से कमा लेगी, बल्कि 100 करोड़ भी जा सकते हैं। ऐसा डायरेक्टर साहब और रवि कपूर का मानना है कि भाई हमारी फिल्म फर्स्ट डे कलेक्शन भाई 100 करोड़ कमाएगी। बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से 80 करोड़ से लेकर 90 करोड़ के बीच में ही कलेक्शन करेगी फर्स्ट डे कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। बाकी आपका प्रोडक्शन क्या है कमेंट बॉक्स में बताएँ, आप कितना इंटरेस्टेड हैं एनिमल मूवी से ये भी कमेंट बॉक्स में बताएँ। बाकी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें दोस्तों।